नमस्कार, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे एंड कॉन्ड्यूट सेटिंग इन रेविट। तो स्वागत है आपके अपने चैनल बीम टूल रेविट में। तो सबसे पहले सिस्टम रिबन में जाना है और इलेक्ट्रिकल पैनल में जाने के बाद केबल ट्रे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउजर में ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो टाइप्स ऑफ केबल ट्रे हमें यहाँ पर देखेगी। तो हम यहाँ पर नई केबल ट्रे सेटिंग कैसे करेंगे कि एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हमें नाम देना है लेडर टाइप केबल ट्रे एंड ओके करना है। तो यहाँ पर फिटिंग्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल बैंड है तो उसका यहाँ पर फिटिंग्स हमें अप्लाई करना है, पर यहाँ पर कोई भी फिटिंग्स हमें दिख नहीं रही है। फिटिंग सारी कहाँ से आएगी, ओके करना है। ओके करने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद लोड में जाना है। यहाँ पर हम सी ड्राइव में, प्रोग्राम डाटा में, ऑटोडेक्स में, RVT 2020, लाइब्रेरी में, इंडिया में, केबल ट्रे में एंड फिटिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी फिटिंग्स है वो सारी फिटिंग्स हम यहाँ पर लोड कर लेंगे सिलेक्ट करके एंड ओपन। तो जितनी भी फिटिंग्स की फैमिली थी वो सारी यहाँ पर लोड हो रही है। फिटिंग्स की फैमिली लोड हो जाने के बाद यहाँ पर एडिट टाइप पे क्लिक करना है। जो टाइप की केबल ट्रे हमने बनाई थी जैसे उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैंड में यहाँ पर देखेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में हमने जो फैमिली लोड की थी वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसे उसको सिलेक्ट करना है वर्टिकल इनसाइड बैंड, तो वर्टिकल इनसाइड बैंड स्टैंडर्ड यहाँ पर ले लेंगे। वर्टिकल आउटसाइड बैंड, वर्टिकल आउटसाइड बैंड यहाँ पर ले लेंगे। टी यहाँ पर टी है, क्रॉस कनेक्शन ट्रांजेक्शन एंड यूनियन जो, तो सारे यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग करना है। ओके करना है। ओके करने के बाद जो भी फिटिंग्स हमने अप्लाई की थी वो यहाँ पर सारी आ जाएंगी। क्या करना है, यहाँ पर फिर से सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद केबल ट्रे में जाना है और शॉर्ट कमांड है CT। CT प्रेस करेंगे तो हमारा केबल ट्रे आ जाएगा। तो जो केबल ट्रे का टाइप हमने बनाया था उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जस्ट मॉडल करना है। तो मॉडल करेंगे तो यहाँ पर वो केबल ट्रे आ जाएगी। ये जो केबल ट्रे है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2743 लेवल पर मॉडल हुई है। तो हम उसका लेवल चेंज करना रहेगा तो मिडिल एलिवेशन यहाँ पर 2800 करेंगे एंड अप्लाई करेंगे तो वो लेवल पर केबल ट्रे मूव हो जाएंगे। अभी दूसरी टाइप की केबल ट्रे बना लेते हैं। तो केबल ट्रे पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो चैनल केबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, जस्ट डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और ये केबल ट्रे को हम नाम देंगे परफोरेटेड टाइप केबल ट्रे एंड ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो फिटिंग्स है वो सारी यहाँ पर लोड कर लेनी है। वर्टिकल इनसाइड बैंड, वर्टिकल आउटसाइड बैंड, टी क्रॉस ट्रांजेक्शन एंड यूनियन जो एंड ओके। तो यहाँ पर दो टाइप की हमने केबल ट्रे बना दी। जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, और जैसे चाहिए हम वैसे यहाँ पर केबल ट्रे मॉडल कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से केबल ट्रे को सिलेक्ट करना है और उसका जो लेवल हम यहाँ पर देंगे वो तो लेवल पे केबल ट्रे मूव हो जाएगी। दूसरा केबल ट्रे में यहाँ पर हम देखते हैं तो जो केबल ट्रे की साइज़ है 25 mm से 900 mm तक है। तो ये साइज़ अगर जो हमें 1000 की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिकल सेटिंग में जाना है। तो शॉर्ट कमांड क्या है, ES किया तो इलेक्ट्रिकल सेटिंग का ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद केबल ट्रे में, केबल ट्रे सेटिंग में यहाँ पर साइज़ में जाना है। तो साइज़ में जाने के बाद यहाँ पर हम नई साइज़ ऐड कर देंगे 1000 एंड ओके करेंगे एंड यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद अगर जो हम CT टाइप करते हैं शॉर्ट कमांड, तो यहाँ पर 25 mm से लेकर 1000 mm तक साइज़ हमें दिखेगी। साइज़ 1000 mm की साइज़ को सिलेक्ट करना है और जस्ट मॉडल करना है तो हमारी केबल ट्रे यहाँ पर मॉडल हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि कॉन्ड्यूट का सेटिंग कैसे करना है। तो कॉन्ड्यूट के सेटिंग के लिए सेम सिस्टम रिबन में जाना है, इलेक्ट्रिकल पैनल में जाना है और उसके बाद कॉन्ड्यूट पे क्लिक करना है। तो कॉन्ड्यूट पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी ब्राउजर में ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो इतनी स्टैंडर्ड कॉन्ड्यूट यहाँ पर है।
हम क्या करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद कॉन्ड्यूट को यहाँ पर हम नाम देंगे ई एम टी टाइप कॉन्ड्यूट। टाइप पैरामीटर में जाके अगर जो हम देखेंगे स्टैंडर्ड में, यहाँ पर ई एम टी स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। तो ये ई एम टी स्टैंडर्ड कहाँ से आया, अगर जो मैं ओके करता हूँ, इलेक्ट्रिकल सेटिंग में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर कॉन्ड्यूट सेटिंग में जाने के बाद साइज पे जाना है, और साइज में जाने के बाद स्टैंडर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में सारे स्टैंडर्ड के कॉन्ड्यूट हमें यहाँ पर दिखेंगे। तो क्या करना है, डुप्लीकेट में जाना है। तो डुप्लीकेट में जाने के बाद अगर जो मैं यहाँ पे ई एम टी लेता हूँ, तो ई एम टी के स्टैंडर्ड के बेस पे यहाँ पर एक नया स्टैंडर्ड बनेगा। वो अगर जो हम यहाँ पर देते हैं ए बी सी डी एग्जाम्पल के तौर पर, एंड ओके करते हैं, एंड यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद कॉन्ड्यूट में जाना है। कॉन्ड्यूट में जाने के बाद प्रॉपर्टी पैलेट में एडिट टाइप पे क्लिक करना है। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड में ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा ए बी सी डी, उसको जो सिलेक्ट करना है और आगे की सारी फिटिंग्स यहाँ पर सेट करनी है। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ई एम टी स्टैंडर्ड ले लेंगे और यहाँ पर बैंड। तो बैंड के लिए यहाँ पर कोई भी फिटिंग्स यहाँ पर लोडेड नहीं है, उसके वजह से यहाँ पर सब नन दिख रहा है। हम क्या करेंगे, उसके लिए इंसर्ट रिबन में जाएंगे एंड लोड पे जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर केबल ट्रे की जगह पे कॉन्ड्यूट में जाना है। तो कॉन्ड्यूट में जाने के बाद यहाँ पर फिटिंग्स में जाना है। यहाँ पर जितने भी फिटिंग्स है वो सारी लोड कर लेनी है एंड ओपन। तो जितने भी फिटिंग्स है वो सारी यहाँ पर अभी लोड हो रही है। लोड हो जाने के बाद फिर से सिस्टम के अंदर कॉन्ड्यूट्स में जाना है एंड एडिट टाइप में जाना है। तो जो टाइप हमने बनाया था उसे जस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फिटिंग्स में जाकर हर एक फिटिंग्स यहाँ पर लोड कर देनी है। जैसे ये बैंड में ये फिटिंग्स लोड कर दी, टी में ये वाली फिटिंग्स लोड कर दी, क्रॉस में ये वाली लोड कर दी, ट्रांजेक्शन में ये वाली लोड कर दी एंड यूनियन एंड अप्लाई, ओके करना है। और उसके बाद कॉन्ड्यूट को जस्ट मॉडल करना है। तो उसकी साइज कहाँ से लेंगे, यहाँ पर डायमीटर में 16 mm से लेकर 130 mm की साइज यहाँ पर दिखाई हुई है। तो अगर जो हमें इससे बड़ी साइज का कॉन्ड्यूट मॉडल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिकल सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ES प्रेस करना है। ES प्रेस करने के बाद इलेक्ट्रिकल सेटिंग का विंडोज ओपन हो जाएगा। तो उसमें कॉन्ड्यूट सेटिंग में साइज में जाना है। साइज में जाने के बाद यहाँ पर जो स्टैंडर्ड था EMT उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद न्यू साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो ट्रेड डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, मिनिमम बैंड, वो सारे डाटा यहाँ पर फीड करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर 150 लेता हूँ। 150 लेने के बाद यहाँ पर मैं 140 लेता हूँ। 140 लेने के बाद यहाँ पर मैं 155 लेता हूँ और यहाँ पर मिनिमम बैंड 560 करता हूँ एंड ओके करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये सारे डाटा हमने फीड किए एंड ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कॉन्ड्यूट में जाने के बाद यहाँ पर डायमीटर में जाएंगे तो हमें वो जो 150 डाया का जो साइज हमने ऐड किया था वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में दिखेगा। ये उसको सिलेक्ट करना है एंड कॉन्ड्यूट रूट करना है। तो उसी तरीके से जो भी टाइप का कॉन्ड्यूट हमें बनाना है तो जस्ट उसको सिलेक्ट करना है एंड उसे डुप्लीकेट करके सारे डाटा फीड करने हैं। आज हमने सीखा कि केबल ट्रे और कॉन्ड्यूट का सेटिंग कैसे करना है और उसके टाइप्स कैसे बनाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।